नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आज की टॉप 10 की मुख्य खबरों की ओर करने से पहले आइए नजर डालते हैं उनकी हेडलाइंस पर। अग्रिपथ योजना में जाति विवाद पर बोले राजनाथ। शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर अभ्यर्थियों ने सुंदरकांड का किया प्रदर्शन। कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। सैन्य भर्ती पर उठे सवालों पर सेना ने दी सफाई। मार्गरेट अल्वा ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन। छात्राओं से जबरन उतरवाए गए अंडर गार्मेंट्स। धार्मिक यात्राओं में की ऐसी हरकत तो होगी कड़ी कार्रवाई। नुपुर की हत्या करने भारत पहुंचा पाक घुसपैठिया। कैंसर पीड़ित जीनत की 8 दुकानों पर मुख्तार का कब्जा। रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय की फिल्म पर लगा ग्रहण। अब खबरें विस्तार से। अग्निपथ योजना के तहत जाति प्रमाण पत्र मांगने को लेकर उठे सवालों पर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद सामने आए हैं। उन्होंने इन सवालों को महज अफवाह बताया है। राजनाथ सिंह ने कहा, सैन्य भर्ती की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पुरानी प्रक्रिया को ही जारी रखा गया है। उन्होंने कहा, यह प्रक्रिया आजादी के पहले से चली आ रही है। राजधानी लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थियों ने 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने मंत्री के आवास के बाहर नारेबाजी की और सुंदरकांड का पाठ कर विरोध जताया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार को मतदान हुआ। इसमें 99% से अधिक सांसदों और विधायकों ने वोट डाला। चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा प्रत्याशी हैं। सैन्य भर्ती में जाति व धर्म प्रमाण पत्र मांगे जाने पर सेना ने सफाई दी है। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि अग्निपथ योजना के तहत सैन्य भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले भी जाति व धर्म प्रमाण पत्र मांगा जाता रहा है। विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, शिवसेना नेता संजय राउत एवं अन्य विपक्षी दल के नेता मौजूद थे। देश विदेश के 550 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित देशों की सबसे बड़ी दाखिला परीक्षा विवादों में घिर गई है। रविवार 17 जुलाई 2022 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के दौरान छात्राओं से जबरन इनरवियर और ब्रा उतरवाने का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के महीने में धार्मिक यात्राओं और जुलूसों में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जुलूसों में सिर्फ परंपरागत वाद्य यंत्रों को ही बजाने की अनुमति दे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉस कर भारत में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं एक पाकिस्तानी नागरिक और बीएसएफ ने पकड़ा है, जिसके बाद एनआईए समेत तमाम जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि वह नुपुर शर्मा को मारने के लिए भारत आया था। बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा और उसके गुगरों ने कैंसर पीड़ित जीनत की स्वरूप नगर स्थित 8 दुकानों पर कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, मुख्तार बाबा ने अपने बेटे के दोस्तों को भी 7 दुकानों पर कब्जा करवा दिया। पोनियन सेल्वम चोल साम्राज्य की संघर्ष की कहानी है। कुछ दिन पहले फिल्म का टीजर जारी हुआ है, जिससे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म की कास्ट, कहानी और ग्राफिक्स को लेकर भी खूब चर्चा की जा रही है। फिल्म में शानदार विजुअल्स और इफेक्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया है और ये काफी बड़े बजट की फिल्म है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें हमारे साथ।